शौक रहा है गाने गाने का, और की थी तो तब से मैं गाने सुनती भी हूँ और गाती भी। मेरे फादर ने ही मुझे जो है वो सिंगिंग करना सिखाया है, और मदर का भी बहुत सपोर्ट है, तो फैमिली की तरफ से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। मैडम नूर जहाँ की वॉइस मुझे बहुत पसंद है, मेहदी हसन साहब है हमारे पास, तो मैं सबके सॉन्ग सुनती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुनज़्जम पाकिस्तान की स्क्रीन से मोहम्मद मुईज़ का सलाम। आज हम आपकी मुलाकात कराची की 10वीं क्लास की तालिबा अलिशबा से करवा रहे हैं, जिनकी हूबहू आवाज़ लता मंगेशकर से मिलती जुलती है। कैरियर का आगाज़ कैसे किया और किस तरह से ये सारी चीज़ें इन्होंने बड़े बड़े सिंगर्स की टक्कर पर इन्होंने गाने गाए हैं, जो कि रिसेंटली एक वायरल सॉन्ग कैफी खलील जो कि कहानी सुनो के नाम से था, वो भी इन्होंने जब गाया तो सोशल मीडिया और मुख्तलिफ चैनल्स पर इनकी पज़ीराई हुई। इसके साथ साथ बात कर लें तो मुख्तलिफ चैनल्स पर इन्होंने जो है वो मुख्तलिफ नत नए अंदाज़ के गाने गाए हैं, और इसके साथ साथ कराची नहीं बल्कि पाकिस्तान भर में लोग इनको जो है वो सुनते हैं। सबसे पहले तो इस पर मुझे बताइएगा कि आपने अपने कैरियर का आगाज़ कब किया? मुझे शुरू से ही शौक रहा है गाने गाने का, और मैं शुरू में जब 6-7 साल की उम्र की थी तो तब से मैं गाने सुनती भी हूँ और गाती भी। अच्छा, मुझे बताएं, जैसे जब बंदे को शौक होता है, कोई भी गर्ल्स हो बॉय, लेकिन ये होता है कि घर वाले जो होते हैं उसे सपोर्ट नहीं करते, और कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो आपके साथ क्या स्टार्टअप था कि घर वालों ने मना कर दिया था या उन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे आपको, क्या था स्टार्टअप? घर वालों की सपोर्ट की मैं जहाँ तक बात करूँ तो मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और जैसा कि मैंने पहले भी अपने इंटरव्यूज़ में बताया है कि मेरे फादर ने ही मुझे जो है वो सिंगिंग करना सिखाया है, और मदर का भी बहुत सपोर्ट है, तो फैमिली की तरफ से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। अच्छा, मुझे बताएं कि आप कुछ मतलब शुरू से स्टार्टिंग से शौक था या किस से आप मोटिवेट हुई, फिर उसके बाद आपने सोचा कि मतलब मैं गाने गाऊंगी, या स्टार्टिंग से आपने सोचा था कि मुझे सिंगर बनना है, बड़े होकर फ्यूचर सिंगर हो पाकिस्तान? नहीं, जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे शुरू से ही 6-7 साल की उम्र से सिंगिंग का शौक था, तो मेरा अपना शौक था, ये मुझे शुरू से ही शौक रहा है सिंगिंग का। सारा माशाल्लाह हूबहू आपकी आवाज़ लता साहिबा से मिलती है, अब इस तरह से आपका पाकिस्तान में कौन सा ऐसा सिंगर था जो आपका फेवरेट था और आपका एक गोल था कि मुझे उस जैसा बनना है? देखें, सिंगर्स की जो जहाँ तक बात है, हमारे पाकिस्तान में जो हैं वो सभी बहुत ज़्यादा लेजेंडरी सिंगर्स हैं। उनमें मैडम नूर जहाँ की वॉइस मुझे बहुत पसंद है, मैं उनके सॉन्ग्स भी सुनती हूँ और उनके सॉन्ग्स भी सिंग करती हूँ, और साथ में मेहदी हसन साहब हैं हमारे पास, तो मैं सबके सॉन्ग सुनती हूँ। अच्छा, मुझे बताएं, आपकी माशाल्लाह से लता जी से जो है एक हूबहू आवाज़ मिलती है, मैं नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं इस चीज़ को, तो मतलब ये किस तरह पता चला था कि मेरी आवाज़ लता जी से मिलती है? किसी ने आपको बताया था सॉन्ग गाने के बाद कि आप तो उनकी आवाज़ मिल रही है? जैसा कि मैं जो वो शुरू से गाती थी तो लोगों ने मुझे कहा कि मैं अपनी वॉइस में गाती थी, लोगों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कि आपकी वॉइस लता मंगेशकर जी से रिजेंबल करती है, तो मुझे अच्छा लगा कि लोगों को मेरी वॉइस पसंद है, तो सब ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया। जैसे मैं शुरू में हमारी फैमिली में कोई गैदरिंग्स होती थी उधर मैं सिंग करती थी, या अभी रिसेंटली आर्ट्स काउंसिल में एक शो होता था वहाँ पर मैंने जो परफॉर्म किया था, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कॉम्प्लीमेंट दिया। अच्छा, मुझे बताएं, मतलब जब आपको फ़र्स्ट टाइम बताया गया था कि आपकी आवाज़ हूबहू मिलती जुलती है उनसे, तो आपके ऊपर क्या मतलब प्राउड फील किया आपने, क्या फीलिंग लाएँ कि कितने बड़ी एक सिंगर से मेरी आवाज़ को मिलाया जा रहा है, क्या उस वक्त साहब फीलिंग्स चल? लता मंगेशकर जी की जहाँ तक बात है तो वो एक बहुत लेजेंडरी सिंगर हैं और उनको सब जानते हैं, सब उनकी वॉइस को जो है वो पसंद करते हैं, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि लोगों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कि मेरी वॉइस जो है वो लता मंगेशकर जी से रिजेंबल करती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोगों को मेरी वॉइस पसंद है। ये बताएं, जब आपने अपना सिंगिंग का कैरियर का स्टार्ट किया था तो कितनी परेशानियाँ आई थी और कितना सपोर्ट मिला बाहर वालों का, क्योंकि घर वालों का तो आपने बताया बहुत सपोर्ट किया, बाहर वाले लोगों का क्या एक्सपेक्ट था कि फ्रेंड्स का और बाकी जो दूसरी फ्रेंड्स होती उनका क्या मौक़िफ़ था, क्या तनकीद करती थी, खुश होती थी या वो भी प्राउड फील करती थी? ऑडियंस की जहाँ तक बात है तो ऑडियंस हमारे पास दोनों तरह की होती हैं, कुछ लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं और कुछ लोग जो है वो तारीफ़ भी करते हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, और जो भी लोग मुझे कमेंट्स वगैरह आते हैं तो बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं, तो सब पसंद करते हैं वॉइस। अच्छा, आप कमेंट्स पढ़ती हैं जो आपकी वीडियोज़ होती हैं, तो उस पर क्या मौक़िफ़ होता है आपका, क्योंकि उस पर तो बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलती हैं, कोई भी एंकर भी होता है या सिंगर एक्टर भी होता है तो उस पर उंगली उठाई जाती है और कुछ लोग बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं, तो क्या लिस्ट्स होती हैं उस पर कि आप डीमोटिव नहीं हो जाती, कहीं आपको कोई गलत कह रहा हो कि आप क्लिप सिंग कर रही हैं, ऐसा तो डीमोटिवेट तो नहीं होती कहीं आपके, आप मैं नहीं कर रही क्योंकि लोग तो मुझे वो उस तरह का जो है कम बैक नहीं कर रहे, तो क्या मौका होता है फिर उस पर आपका? मेरा यूट्यूब चैनल है अलिशबा आमिर ऑफिशियल के नाम से, तो मैं उधर अपनी वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, तो मैं कॉमेंट्स भी सबके पढ़ती हूँ, लोगों के कॉमेंट्स आते हैं तो
सबके बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं, लोग जो है वो कमेंट्स में तारीफ़ भी करते हैं। कुछ कभी कभार ऐसा होता है कि कोई क्रिटिसाइज़ भी कर रहा होता है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मैं अपना काम जो है वो अच्छी तरीके से करूँ और अपनी सिंगिंग पे अपना ध्यान दूँ, ताकि मेरे सॉन्ग जो हैं वो मज़ीद न्यू सॉन्ग्स आएँ और फिर आप लोग को सुनने के लिए। अच्छा, अभी कैमरे के सामने भी बहुत सारी ऑडियंस बैठी हुई है कैमरे के पीक पे, तो आप बताएं अभी ऑडियंस को कौन सा आप सॉन्ग सुनाने जा रही हैं? क्योंकि रिसेंटली अभी जो सॉन्ग गया कहानी सुनो, उस पे जो है हमने देखा कि कैफ़ी खलील का सॉन्ग था, और वो एक ऐसे सिंगर थे पाकिस्तान के कि उनको इतनी पसीराई नहीं मिलती थी उस दौरान, लेकिन उनका वो सॉन्ग वायरल हुआ तो उसके बाद एक वो परवान चढ़े, तो उस फीलिंग्स में आप क्या कर समझती हैं कि आप उनकी टक्कर पर उस जैसा सॉन्ग गा सकती हैं? देखिए, कैफ़ी खलील सर जो हैं उनकी एक अलग पहचान है, वो बहुत अच्छे सिंगर हैं। उन्होंने अपना रिसेंटली सॉन्ग कहानी सुना गाया, और भी उनके काफ़ी सारे सॉन्ग हैं, तो हर सिंगर का एक अपना स्टाइल होता है। मैंने अपना कवर वर्जन जो है वो अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अलिश्बा आमिर ऑफिशियल पे कहानी सुनो का अपलोड किया था, तो मैं आप लोग को वही सुना। बिल्कुल, आप सुनाएं और फिर देखते हैं कि ऑडियंस रिएक्शन। आपने कैफ़ी खलील का सॉन्ग गाया जो कि रिसेंटली पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग सॉन्ग था। अभी लता जी के ऊपर आपको कहा जाता है कि आपकी वॉइस सेम टू सेम उनसे मिलती जुलती है, कैफ़ी खलील के बाद जो एक लता जी का सॉन्ग है उसके हवाले से क्या तासुरात हो रहा है?
अच्छा जी, आप मुझे बताइएगा कि आपने मतलब इसकी जो जादुई आवाज़ होती है, मतलब इसके लिए आप कोई चीज़ यूज़ करती हैं? मतलब बहुत सारे लोग इलायची खाते हैं और इस तरह के बहुत से टोटके होते हैं आम अल्फाज में अगर हम उसको, तो क्या आप उन चीज़ों को यूज़ करते हुए ये आवाज़ को खूबसूरत बना दी या कुदरती तौर पर? मैं ऐसा जिस तरह की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन ये है कि मैं जो हूँ वो ठंडा पानी वगैरह नहीं पीती और ठंडी चीज़ें नहीं खाती हूँ, और जो जो खट्टी चीज़ें होती हैं या तली हुई चीज़ें होती हैं ये सब से इन सब से मैं अवॉइड करती हूँ, ये सब नहीं खाती। बाकी इलायची वगैरह कुछ नहीं। अच्छा मुझे बताएं, मतलब ये जो आपने सिंगिंग्स हैं इनको आप लर्न करती हैं सारे सॉन्ग्स को या फिर प्रैक्टिस करती हैं? और अगर प्रैक्टिस करती हैं तो कितने टाइम में करती हैं, टाइम टेबल क्या है आपका उस हवाले से? प्रैक्टिस की जहाँ तक बात है तो मैं प्रैक्टिस जो है वो रोज़ 1 से 1.5 घंटे या कभी कभी 2 घंटे भी मैं रियाज़ करती हूँ, और वो मैं अलग अलग तरीके से करती हूँ। जैसे मैं कभी गिटार पे जो है वो रियाज़ कर लेती हूँ, या हारमोनियम वगैरह पे, या अक्सर जो कैरोकेज होते हैं हमारे मैं उस पर भी रियाज़ कर लेती हूँ। अच्छा आपने कितनी जगहों पे परफॉर्म्स किया है? क्योंकि हमारे एक अगर सिंगिंग के स्टेप्स को उठाएं तो एक आर्ट्स काउंसिल ही हमें नज़र आता है, और भी क्या इसके अलावा प्रोडक्शन हैं जहाँ आपने परफॉर्मेंस दिए हैं? तो मतलब मीन्स आपने अब तक अपने कैरियर में कितनी जगहों पर परफॉर्मेंस दे चुकी हैं एक बेहतरीन परफॉर्मेंस? मैंने आर्ट्स काउंसिल में अभी लास्ट टाइम परफॉर्म किया था, और इसके अलावा तो ये है कि अभी कोई स्टेज वगैरह पे मैंने परफॉर्म नहीं किया। मैंने एक दफ़ा हाँ पोर्टग्रैंड में परफॉर्म किया था, और साथ में प्रोडक्शन की जहाँ तक बात है तो वो ये है कि मैंने अभी एक अपना न्यू सॉन्ग भी लॉन्च किया है बंजारा जीवन के नाम से, तो उसकी लिरिक्स भी मेरी हैं और सिंग भी मैंने किया है और उसमें कंपोजिशन भी मेरी है। मतलब फ्यूचर में आपकी कौन कौन से सॉन्ग्स आ रहे हैं जो कि आप अपनी ही कैरियर से बना रही हैं, और आप अपना कैरियर के अंदर पहला सॉन्ग आपका कौन सा था, और फ्यूचर में कितने आपके सॉन्ग्स तकरीबन आ रहे हैं, कोई अंडर 1 ईयर में कितने आ जाएंगे आपके? अभी जो मेरे पास हैं वो मैंने जो है वो 3 से 4 सॉन्ग्स मेरे पास हैं अभी, और अभी मेरा जो फर्स्ट टाइटल ट्रैक था वो बंजारा जीवन, जैसे मैंने आप लोग को बताया, वो मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे भी है, और बाकी जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं स्पॉटिफाई है, टिकटॉक वगैरह, वहाँ पे वो भी अवेलेबल है। और दूसरी बात ये कि अभी मेरे जो अपकमिंग सॉन्ग्स हैं उनमें भी मेरे 3 से 4 सॉन्ग्स मेरे हैं, और जो है वो अभी मैं एक सॉन्ग पे काम कर रही हूँ तो इंशाल्लाह वो भी आप लोग को जल्द देखें। आपके एक सॉन्ग में तकरीबन कितना वक्त लगता है, वीक्स का, मंथ्स का, डेज का, कितना मतलब लगता है? एक सॉन्ग में ये है कि सॉन्ग अलग अलग तरीके से कंपोज होता है, पहले उसको लिरिक्स लिखनी पड़ती हैं उसकी, उसके बाद फिर देन उसको कंपोज करना पड़ता है, तो वो टाइम सॉन्ग के हिसाब से होता है कि सॉन्ग की ड्यूरेशन क्या है, उसमें लिरिक्स क्या है, कंपोजिशन किस टाइप की है, तो वो सॉन्ग के ऊपर डिपेंड होता है। लिरिक्स आप कितना किस तरह से लिखती हैं, और क्या अपने ही माइंड से लिखती हैं सारी लिरिक्स, क्या कुछ मदद लेती हैं कुछ बड़े सिंगर्स की गूगल से या सर्चिंग से, या फिर अपना ही सारा कुछ आप लर्न करके लिखती हैं? अभी जो मैंने अपना बंजारा जीवन की जो मेरी लिरिक्स हैं वो तो मैंने खुद लिखी हैं सारी, और अभी मेरा एक न्यू भी सॉन्ग आने वाला है तो उसमें भी मेरी सारी अपनी ही लिरिक्स होती हैं। नाज़रीन ग्रामी कराची ने बल्कि पाकिस्तान फ़ख्र पाकिस्तान जिसको हम कहेंगे कि कुदरती टैलेंट से अल्लाह ताला ने इनको हमकिनार किया है, और एक कुदरती टैलेंट के मालिक हैं कि एक ऐसी सिंगर जिनके जो है कोई बड़े बड़े सिंगर हों कोई भी हो मतलब उसमें, लेकिन एक ऐसी हूबहू आवाज़ का मिलना जो है कुदरत होता है, क्योंकि इंसान जो होता है जिसकी आवाज़ अच्छी भी नहीं होती है कैसी भी होती है लेकिन वो भी कोशिश करते हैं कि एक अच्छा सिंगर बने, मगर कुदरती दौर पे इनकी आवाज़ में कैसा जादू है कि जो भी इनके सॉन्ग सुने, मैं हूँ, आप हो या कोई भी ऑडियंस हो, तो उस तरफ एक खिंचा चला जाता है सॉन्ग की तरफ, और एक लाइफ में वो चला जाता है, अपनी पुरानी यादों में वो चला जाता है। कोई भी सॉन्ग हो, फास्ट हो, सैड सॉन्ग्स हो, इमोशनल हो, मगर आवाज़ की जो महारत है वो एक कमाल बात सलाहियत के मालिक है। तो मुझे इसी अपने पनी मोहब्बत के साथ अपने मेहमान गुजार दीजिएगा। अल्लाह ने